हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिसर्च का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। हमारा ये रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट सेकंड है, एनडीए नेट एग्जाम पेपर वन। और पेपर टू में आपको कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस कराऊंगी और इसी चैनल पर आपको जो है वीडियोस देखने को मिलेंगी। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है रिसर्च का प्रोसेस क्या होता है। हमें ये देखना है, इस प्रोसेस में से आपको कई बार डायरेक्ट पोर्शन देखने को मिलेगा। प्रोसेस के अंदर सीधा आपको ये कहा जाएगा कि आप इनको जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर लगाइए या फिर असेंडिंग ऑर्डर के लिए के अंदर लगाइए कि कौन सा स्टेप पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए यानी कि उल्टे क्रम में लगाइए या सीधे क्रम में इनको लगाकर दिखाइए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है रिसर्च का कि आपके रिसर्च प्रोसेस में कौन सा स्टेप फर्स्ट है, कौन सा सेकेंड है। तो ये टोटल हमारे 10 स्टेप होते हैं रिसर्च के प्रोसीजर में। आज जो मैं आपको इन 10 के नेम बताऊंगी और जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस के अंदर सबसे फर्स्ट हमारा स्टेप होता है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। जब भी आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले जब भी हम कुछ काम कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले चीज पता होनी चाहिए ना, हमें करनी क्या है यानी कि या फिर क्यों करनी है। प्रॉब्लम हमें पता होनी चाहिए। अब एग्जाम आ रहा है तो आपको पढ़ना है, तो आपको ये पता है ना कि मेरे को पढ़ना है। और क्यों पढ़ना है? क्योंकि पेपर आ रहे हैं, इसलिए मेरे को तैयारी करनी है। तो सबसे पहला रिसर्च का भी यही स्टेप होता है, क्या रिसर्च करना, फॉर्मुलेट करना हमारी प्रॉब्लम को यानी कि हमारी समस्या क्या है उसको फाइंड आउट करना। नेक्स्ट आता है लिटरेचर रिव्यू करेंगे हम, फिर जो पुराना किसी ने रिसर्च वगैरह किया होगा। नेक्स्ट आता है डेवलपिंग द ऑब्जेक्टिव, फिर हम हमारा ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि किस तरीके से हमें क्या हमारा टारगेट रहेगा। फिर हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करेंगे यानी कि हम जो है किसी चीज के ऊपर सहमत हैं और फिर नहीं है तो क्या रिजल्ट रहेगा। प्रिपेयरिंग करेंगे हम रिसर्च डिजाइन को बनाएंगे कि किस तरीके से मैं मेरी रिसर्च करूंगा यानी कि किस तरीके से हम अपनी पढ़ाई करेंगे। फिर हम डाटा देखेंगे कि कहाँ से मुझे ये डाटा मिल सकता है पढ़ने के लिए, ऑनलाइन सोर्स है या ऑफलाइन है, यानी कि प्राइमरी सोर्स है या सेकेंडरी सोर्स है। आप ढूंढेंगे अपनी पढ़ाई के लिए सामान को। फिर उसके बाद सिलेक्ट करेंगे सैंपल्स को, अलग अलग आप सैंपल्स चेक करेंगे, देखेंगे कि कौन सा सही रहेगा। फिर आप एक रिसर्च के लिए प्रपोजल लिखेंगे। फिर जैसे आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो आप पढ़ाई के लिए अपना काम करना स्टार्ट करेंगे, एक मतलब कि अपना शेड्यूल वगैरह बना के। फिर आप कलेक्ट करेंगे डाटा वगैरह को और लास्ट में क्या होगा, हम प्रोसेस करेंगे और एनालाइज करेंगे उस डाटा को जो हमें कलेक्ट किया, फिर हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, प्रोसेस में ला रहे हैं। तो ये हमारा नॉर्मल रिसर्च का प्रोसीजर है। आपको सीधा क्या है, इनको बोल दिया जाएगा कि आप इनको क्या है ऑर्डर में लगाकर दिखाइए। तो अगर आपको ये प्रोसीजर याद नहीं हुआ तो आप नहीं लगा पाएंगे। और इसको याद करने का सिंपल सा ही एक तरीका होता है कि आप इसको समझिए। सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, एक प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है। आप अपनी रियलिटी रियल लाइफ में इसको अप्लाई करें, फिर आप इसको जो है इजिली आपको ये स्टेप याद रहेंगे। पहले एक प्रॉब्लम आएगी, फिर हम देखेंगे, लिटरेचर रिव्यू करेंगे। रिव्यू का मतलब क्या होता है, देखना। हम फिर देखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि क्या क्या हम इसका मतलब कि सॉल्यूशन निकाल लें, मतलब क्या हमारा टारगेट हम सेट करें। फिर हम एक हाइपोथेसिस सोच लेते हैं, अगर ये हुआ तो क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। फिर हम डाटा वगैरह कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, रिसर्च डिजाइन करते हैं कि फिर मेरे को क्या क्या स्टेप, मैं किस तरीके से अपनी चीजों को करूँ। फिर हम डेवलप करते हैं, डाटा कलेक्ट वगैरह करते हैं, फिर हम एक सैंपल वगैरह सिलेक्ट करना शुरू करते हैं, फिर हम रिसर्च का प्रपोजल लिखते हैं, फिर कलेक्शन करते हैं डाटा का, फिर उसको प्रोसेस करेंगे और फिर उसको एनालाइज करेंगे। ये हमारा नॉर्मल से स्टेप है। आपको जस्ट इसको 2-3 बार रिवाइज करना है, ये आपको लर्न हो जाएंगे इजीली। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना या बनाना, फॉर्मुलेशन का मतलब होता है बनाना। तो हम उसमें क्या करेंगे, तो पहले ये आएगा कि कोई भी क्वेश्चन जो कि हम चाहते हैं कि वो आंसर्ड हो यानी कि हम उसका आंसर फाइंड आउट करें, एनी अजम्पशन और असर्टेशन दैट यू वांट टू चैलेंज और इन्वेस्टिगेट। प्रॉब्लम क्या होगी हमारी, कोई हमारा ऐसा क्वेश्चन है जो कि हमें बार बार डाउट में डाल रहा है, या फिर कोई भी हम चीजें सोच रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, हमारी असर्टेशन है किसी चीज के रिगार्डिंग, तो हम क्या कर रहे हैं, वो हमारी एक तरीके से प्रॉब्लम है और उसके बारे में हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। कई बार क्या होता है, दो फ्रेंड होते हैं तो वो क्या है, उनकी अगर लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, पहले लड़ाई का क्या रीजन है ये फाइंड आउट करेंगे ना, प्रॉब्लम क्या, समस्या क्या है, तभी उसको सुलझाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला यही काम होगा, जब भी हम रिसर्च वर्क हमारा शुरू करेंगे तो सबसे फर्स्ट स्टेप आएगा फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम की, रिसर्च प्रॉब्लम को फाइंड आउट करो। अब क्या होगा, हमारे रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर क्या हम
क्वेश्चन ले सकते हैं. नॉट ऑल क्वेश्चंस कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रिसर्च. हर कोई क्वेश्चन रिसर्च का नहीं बन सकता. आप सुबह कितने बजे उठते हैं, ये कोई रिसर्च का नहीं है हमारा वर्क. या फिर हम मतलब कि नॉर्मल स्टडी कर रहे हैं कि भाई आप क्या खाना खाते हैं, पूरा दिन आपका क्या रूटीन रहता है, ये मेरा रिसर्च नहीं हो सकता. यानी कि हर क्वेश्चन हमारा रिसर्च के अंदर ट्रांसफॉर्म हम नहीं कर सकते. ये चीज आपको याद रखनी है. आपको बोल दिया जाएगा या तो रीजनिंग में या फिर असर्टेशन दी जाएगी कि नॉट ऑल द क्वेश्चन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रिसर्च. क्या ये बात सही है या नहीं है. एक और आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगी, मान लेते हैं कि एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आंसर और एनी असम्पशन और असर्टेशन दैट यू वांट टू चैलेंज और इन्वेस्टिगेट. ये आपकी असर्टेशन है और जो रीजनिंग है उसमें ये दे दिया जाता है. तो आपको फाइंड आउट करना होता है कि कौन सी चीज सही है कौन सी नहीं. हमारे क्वेश्चन आजकल इसी टाइप के आ रहे हैं कि पूरी की पूरी लाइन आती है और उसको आप अगर नहीं समझेंगे तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे. तो हम हर किसी क्वेश्चन को रिसर्च के अंदर नहीं ला सकते. हर कोई क्वेश्चन रिसर्च के अंदर नहीं आ सकता. नेक्स्ट क्या बोलता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग देम इन ए मीनिंगफुल वे इज नॉट एट ऑल एनी टास्क. यानी कि जो प्रोसेस है प्रॉब्लम को क्या करने का, मीनिंगफुल वे में लाने का, ये कोई भी एक टास्क नहीं, कोई कार्य नहीं है. क्या हम एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं फॉर्मुलेट करने के लिए हमारे रिसर्च को, तो ये कोई कार्य नहीं है. नेक्स्ट आता है रिक्वायर्ड कंसिडरेबल नॉलेज. जब भी आप रिसर्च के लिए प्रॉब्लम फाइंड आउट कर रहे हैं कि आप किसके ऊपर अपना टॉपिक शुरू करेंगे, आप पीएचडी करने जा रहे हैं, तो आपको फर्स्ट स्टेप आपका यही होगा कि आपको रिसर्च की प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी. तो आपका क्या होना चाहिए, रिक्वायर्ड कंसिडरेबल नॉलेज, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप जो है रिसर्च प्रॉब्लम फाइंड आउट कर पाएंगे ऑफ बोथ सब्जेक्ट एरिया. यानी कि जिस सब्जेक्ट में आप रिसर्च करना चाहते हैं उसकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए एंड द रिसर्च मेथडोलॉजी, कि किस मेथड से आप उसको रिसर्च करना चाह रहे हैं, आपके पास वो उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप जो है एक प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर पाएंगे रिसर्च के लिए. नेक्स्ट वन इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेस्टिनेशन बिफोर अंडरटेकिंग रिसर्च जर्नी. अब मेनली मैंने ये क्या लिखा हुआ है, ये रिसर्च है, रिसर्च प्रॉब्लम. रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, वो क्या है, एक आइडेंटिफिकेशन करना, एक डेस्टिनेशन यानी कि कहां तक हमें पहुंचना है उसको आइडेंटिफाई करना है बिफोर अंडरटेकिंग द रिसर्च जर्नी. हमारी जर्नी शुरू होने से पहले ही हम ये डिसाइड कर लेते हैं हमें कहां तक उसको लेकर जाना है, कहां तक हमें पहुंचना है. अब जैसे कि आप किसी भी चीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, अब आप नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि मेरा एंड में मैं कहां तक जाऊंगा, मैं सिर्फ नेट पर ही रुकूंगा, ये मेरा नेट भी क्लियर नहीं होगा, या फिर मैं जेआरएफ भी अच्छे हाई लेवल से करूंगा. तो ये हमारा क्या है कि रिसर्च प्रॉब्लम हमारी कैसी क्या चीज है, एक आइडेंटिफिकेशन करती है डेस्टिनेशन को, जो कि आगे हमें जो है मतलब हमने जर्नी अभी शुरू नहीं की, हमारे आगे हम कहां तक उसको पहुंचेंगे लेकर वो पहले से हमारा डिसाइड हो जाता है. उसको हम रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं. कि रिसर्च की प्रॉब्लम क्या है कि पहले से ही डिसाइड कर लेना, एडवांस में ही डिसाइड कर लेना कि हमारे डेस्टिनेशन यानी कि एंड में हम कहां पर होंगे, तो ये पहले से डिसाइड करना उसको हम रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं. तो फर्स्ट हमारा स्टेप था फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. होप सो आपको जो ये फर्स्ट स्टेप समझ आया होगा और इनको आप जो एक नोटबुक में नोट डाउन करें और इन स्टेप्स को जो है 3-4 बार रिवाइज करें, आपको इजीली लर्न हो जाएंगे. अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछें. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.